हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 18। इससे पहले हमने 17 पेपर डिस्कस कर लिए हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यदि उनके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे वीडियोस आप देख सकते हो। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर शाम को वहां पे क्विज करवाया जाता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के होते हैं, तो वो भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स, बीएससी, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहता है। तो चलिए, आज के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आज के पेपर में है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और काफी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन गलत भी करते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम आप सही करें, ताकि आपका स्कोर अच्छे लेवल पे जाए, ठीक है? चलिए, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हिंदी मीडियम में हमने ट्रांसलेट नहीं किया है, इंग्लिश मीडियम में आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको नीचे की ओर इस जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सारे आंसर भी दिए गए हमने, तो और वन बाय वन हम यहाँ पे आंसर भी डिस्कस करेंगे, ओके? तो यहाँ पे 101 क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है वायरस के बारे में, ठीक है? यहाँ पे साइज पूछी गई है कि किससे साइज ज्यादा होती है, किससे कम होती है। तो 101 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या कितने क्वेश्चंस आपने सही किए वो भी बताइएगा। तो 101 में जो आंसर जाएगा इसका, वो जाएगा फोर्थ, ठीक है? तो 101 में कौन सा आंसर जाएगा? फोर्थ आंसर यहाँ पे जाएगा, ओके? तो फोर्थ आंसर यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे 102 की, वायरस में जेनेटिक्स मटेरियल क्या होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा क्या होता है। तो इसमें 102 में जो आंसर आपका जाने वाला है वो आपका फोर्थ जाने वाला है, ठीक है? उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड में यहाँ पे पूछा गया है 100 कि डायनोफेजलेट मोस्टली क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 103 में क्या आंसर जाएगा? तो 103 में आपका सेकंड आपका आंसर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन को बात करेंगे। तो इसमें चार ऑप्शन आपके साथ है, तो उसमें से कौन सा 104 में आंसर जाएगा? यहाँ पे फ्यूलेरिया एंड ब्रायोफाइट के बारे में पूछा गया है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो चारों में से 104 में जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा, ओके? उसके बाद में हम 105वें क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो 105 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका सेकंड आंसर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 106 नंबर को क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है 106 नंबर का, कौन सी पूल में आएगा बताइए, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे 106 में जो आंसर है इसका, 106 में जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर जाएगा, ओके? बीएससी। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि यहाँ पे फिर चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया है और इसमें क्या आंसर जाएगा? इसमें पूछा गया स्टेम मॉडिफाइड नहीं है, तो कौन सा नहीं है देख लीजिए, चारों ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 107 में जो आंसर आपका जाएगा वो आपका जाएगा फर्स्ट आंसर, ओके? 108वें क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, तो यदि आपको कंफर्म नहीं पता हो तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो फिर आपका जो स्कोर हुआ है उससे भी इंक्रीजेस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, जिनको एकदम कन्फर्म पता हो कि ये इसका आंसर होगा तभी वो सब लोग जाए, ओके? उसके बाद में 109 नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। 109 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर जाएगा? तो ये प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, एनसीईआरटी बेस की लाइन उठाई गई है, ठीक है? 109 में जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है? सेकंड यहाँ पे आंसर जाने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 110 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है, ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो किसमें होगा, मोनोकोट रूट में या मोनोकोट स्टेम में या डायकोट में या डायकोट स्टेम में, ठीक है? मोनोकोट रूट एक लिंगी तना, एक लिंगी जड़, तो क्या आंसर जाएगा 110 में? तो 110 में आपका आंसर जाएगा थर्ड, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है 111वें क्वेश्चन में कि न्यूक्लियर डिवीजन में कहाँ होता है, ठीक है? तो कौन से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या क्लोरोब्लास्ट में होता है, तो क्या आंसर जाएगा 111 में? 111 में इसका आंसर जाएगा फर्स्ट सेंट्रियोल,
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, 112वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आंसर जाएगा, क्या क्रोमेटिन या क्रोमोजोम, क्या न्यूक्लियर या क्रोमेटिड, क्या आंसर इसमें जाएगा, क्या क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, क्रोमोजोम, क्या आंसर 112 में, क्या आंसर जाएगा 112 में, जो आंसर जाएगा आपका फोर्थ आंसर जाएगा क्रोमेटिन। ठीक है, 113 की क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मियोसिस विभाजन सेंट्रोमियर सेपरेट होते हैं, तो कौन सी फेज में होता है, क्या मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक है, तो 113 में जो आंसर जाएगा वो आपका फोर्थ आंसर जाएगा। 114 की हम बात करें तो 114 में आपका जाएगा ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट मियोसिस में जो पेयरिंग होती है वो किस में होती है, ठीक है, तो जाइगोटिन में या डिप्लोडिन में या पिकाइटिन या लेप्लोडिन में, किस में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर 14 में जाएगा सेकंड, स्टार्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट है वो जाइगोटिन में हो जाती है। उसके बाद में लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है मियोसिस की, तो ये सबको पता है कि 115 में आपका फर्स्ट आंसर जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद में 116 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा, ये भी एनसीईआरटी लाइन है, तो 116 में आपका थर्ड आंसर जाएगा इंटरकाइनेसिस। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन 117 में डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ स्निक अरिलेसिस, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 117 में क्या जाएगा, तो इससे आंसर जाएगा आपका फोर्थ, फोर्थ आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन की बात करें तो 118 में क्या जाएगा, आंसर क्या रहेगा 118 में, आपका आंसर जाएगा वो आपका जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ बोथ एंड सेकंड, ठीक है, इसमें दोनों जाएगा। उसके बाद में हम बात करें 119वें क्वेश्चन की, तो ये आपका क्या आंसर जाएगा 119 में, सेकंड आंसर अमोनिया यहाँ पे आंसर जाएगा। ओके, विच इज द फॉलोइंग सिंबायोटिक नाइट्रोजन फैक्टर, ठीक है, तो कौन सा होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो 121 में सेकंड आंसर जाएगा फ्रेंकिया। ओके, सेकंड आंसर यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा। ओके, तो आई होप ये सब चीज आपको डिस्कस किए हमने आज डिस्कस किए हैं ठीक डिस्कस किए हैं ठीक है, और टाइम नहीं मिलने का हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुए, बट इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यदि आप अच्छे से भी रीड करोगे तो ये आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, और जब 108वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन यदि आपको कन्फर्म नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप नेगेटिव मार्किंग को बचाइए और इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन यदि आप 20 क्वेश्चन करते हो, टोटल आपका बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि आप 5 या 10 10 मिनट में आप ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सही कर दो। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, आपको पहले भी हमने डिस्कस किया कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पे आपको क्विज करवाया जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ओके, उसके साथ ही साथ आप जो है